नमस्कार, स्वागत है आपका दबंग राजधानी में। और आज हम मौजूद हैं रायपुर के बूढ़ा तालाब में। तो चलिए जानेंगे कि नव वर्ष की क्या खास तैयारी है युवाओं में। सचिता, कल नव वर्ष है जैसे कि, तो क्या खास तैयारी है आपकी? एक्चुअली सब फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही हम लोग घूम रहे हैं। आज अभी शाम होने को आ गई है। अब इसके बाद ये है कि फैमिली वालों के साथ में कुछ अच्छा खास, मतलब कुछ खास बना करके, इवन रात में फिर तो ऑब्वियसली बात है 12 बजने पे केक कटिंग होगी एंड देन कल इंजॉयमेंट पिकनिक। जी बिल्कुल, चलिए तो मिलते हैं। और कुछ खास यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या इनकी तैयारियाँ हैं। छंगानी जी, आप बताएं क्या नव वर्ष की तैयारी है आप? हमारा वो झूला है, बच्चों के लिए है, सब उत्सव तो उसी के लिए है। हमारा तो अपना रहता ही वैसी है। उषा यादव जी, उषा जी बताइए कि क्या खास प्लानिंग है कल के लिए? कल जैसा कि नया साल है, सबके सब उत्साहित है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो। और रही बात हम लोग की पर्सनली की, तो हम सारे फ्रेंड्स के साथ भी हैं। हम लोग ऐसा बाहर ऐसा आउटिंग करने का और फैमिली के साथ मंदिर, राम मंदिर है रायपुर में फेमस, वहाँ जाने का प्लान बना के रखे हैं। तो लास्ट ईयर जैसे कि COVID-19 नहीं था, लेकिन इस बार COVID-19 का असर काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ अंतर तो होगा? बिल्कुल है, और सबको उस प्रोटोकॉल का, नियम का फॉलो करना चाहिए। हम लोग भी इस चीज़ को मेंटेन करके रखे हैं। अंकल जी, आप मुझे बताएंगे कि कल जैसे कि नया साल शुरू हो रहा है, तो क्या खास तैयारी है आपकी? बस यही है कि जैसे बच्चे लोग तो अपने होटल वोटल जाते हैं, हम तो अपने यहाँ पार्क में आ जा गए हैं थोड़ी देर, फिर घर चले जाएंगे। फिर बच्चे लोग जाते हैं, हम अपने अपने, जो हमारे ये मेरे भांजा है, मेरा भांजा भी है, दोस्त भी है, तो हम लोग अपने आके अपने नए साल के इन्जॉय कर रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे और चले जाएंगे। जी अंकल जी, मैं ये पूछना चाहूँगी जैसे कि इस साल कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है, तो क्या बदलाव नज़र आ रहा है आपको? बदलाव ये है कि उपस्थिति सब जगह कम रहेगी, उपस्थिति कम रहेगी। और क्या है, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना खतरा मंडराया हुआ है, इसलिए क्या है अभी होटलों में भी कम भीड़ रहेगी और पार्क में तो थोड़ा बहुत रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी बहुत ज़रूरी है। फैजान, आप मुझे ये बताएंगे कि कल आप न्यू ईयर के लिए क्या खास तैयारी कर रहे हैं? मैं जी सजाऊंगा घर को। क्या करोगे? घर सजाऊंगा और केक लाऊंगा। केक लाओगे? किसके साथ कट करोगे, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ? फैमिली और फ्रेंड दोनों। आशीष, आप मुझे बताइए कि जैसे कि कल नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो न्यू ईयर को लेकर क्या खास प्लानिंग है आपकी? कोविड के कारण तो नॉर्मली ऐसा कुछ प्लानिंग है, जो गवर्नमेंट फॉलो करे जिस चीज़ को, वैसे सभी को करना चाहिए फॉलो। और ज़्यादा हो सके मेरे हिसाब से तो सभी को न्यू ईयर को नॉर्मली तरीके से मनाना चाहिए, इतना ही बस बोल सकता हूँ। को तो बनाना है बिल्कुल उसी उत्साह के साथ, मगर कोरोना वायरस की वजह से जो गाइडलाइंस है उन्हें बकायदा फॉलो करना है, सुरक्षित रहना है और एंजॉय भी करना है। वासु के साथ मैं प्रियंका गोस्वामी, रायपुर छत्तीसगढ़।